हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जुड़ जाइए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। आज आपके लिए मैं फिर से एक थ्योरी चैप्टर ले आया हूँ। थ्योरी चैप्टर आपको बता दिया गया था, प्रॉब्लम क्लास देखेंगे आज। बिल्कुल मज़ा आने वाला है दोस्तों। आपके लिए मैंने दो शब्द जोड़े हैं जो दोस्तों के नाम पे है, तो सुनिए दोस्तों। हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिलों के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता। हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिलों के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता। चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको, चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, आपके लिए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, आप मेरे सहभागी हैं, मेरे साथ आप भी जुड़े और इसका लुत्फ़ उठाएं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बहुपद चैप्टर का टाइप क्वेश्चन वन। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 8x+6। इसमें बोला जा रहा है, ये सबसे पहले तो द्विघात बहुपद है दोस्तों, द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद में आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। कहने का अर्थ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे कि कोफिशियंट एंड जीरोज के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों का, इस बहुपद का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या आया? 6 2 12। हमको जोड़ने पर 12 लाना चाहिए, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 4। तो ऐसे क्या किया जाए कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुना करने पर 12। तोड़ते हैं दोस्तों। देखिए, 2 6 आया, फिर 2 से लगाएं 3 आया, अब नहीं लगेगा दोस्तों। तो देखिए, 3 दुना 6 6 और 2 जोड़ कर देखिए दोस्तों, 8 आ रहा है, और गुना करिए 6 × 2 12 आ रहा है। मतलब कि ये आपका प्रूफ हो गया कि 6 और 2 आपका यहाँ पे 8 का गुणनखंड हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? ये माइनस में लाना है तो हम 6 को भी माइनस में लिखेंगे और 2 को भी माइनस में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2x² - 6x - 2x+6, ये क्या हो गया? बहुपद को गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे दो पार्ट में, एक पार्ट इधर बनेगा, एक पेयर इधर। तो इस पेयर में क्या कॉमन है दोस्तों? देखिए, 2 भी कॉमन है और x भी। तो बच क्या जाएगा? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 3। अब देखिए, दूसरे पार्ट में कॉमन लेते हैं दोस्तों, इसमें भी कॉमन क्या आएगा हमारा? -2। तो बच क्या जाएगा? x - 6, x - 3, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 बच गया। अब क्या करते हैं, जो कॉमन वाला टर्म होता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी जो बचा हुआ टर्म होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 2x - 2, ये आपका टर्म्स निकल गया। यहाँ से अल्फा और बीटा का दो मान निकलते हैं दोस्तों, तो जो हमें क्या कहते हैं उसको? शून्यक बोलते हैं हम उसको। यहाँ से जब इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं तो x - 3 = 0, तो x = 3 हो गया, और यहाँ पे 2x - 2 = 0, तो 2x = 2 हो जाएगा दोस्तों। ये कटने के बाद क्या आया? x = 1। मतलब कि यहाँ पे अगर मान लें इसको α = 3 और β = 1, तो अब क्या कर सकते हैं? हम इस क्वेश्चन को सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापित करने के लिए दोस्तों करेंगे क्या? देखिए, करते क्या हम लोग कि हमसे सबसे पहले हम ए बी सी निकालते हैं। तो x² को गुणनफल में जो होता है उसको हम ए बोलते हैं। तो यहाँ से a = क्या मिल गया दोस्तों? a = कह सकते हैं, a = हमारा 2 होगा, b = हो गया -8, और c = क्या हो गया? 6। अब क्या करेंगे? जानते हैं
कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला बताया थे आप लोग को, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। जब ए बी सी पता है, अल्फा और बीटा पता है, तो हम क्या इसमें इक्वेट करके नहीं पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या है दोस्तों? 3 है, और बीटा का वैल्यू क्या है? 1 है। तो 3 प्लस 1 क्या हो गया दोस्तों? 4। अब देखिए यहाँ पर भी आता है या नहीं चेक कर लेते हैं। माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है -8, तो यहाँ पे -8 रखें, ऑलरेडी पहले से माइनस है। बटा ए का वैल्यू क्या है दोस्तों? ए का वैल्यू 2 है। अब ये क्या होगा, आपस में माइनस माइनस प्लस होगा, तो कट कर क्या आया? 4। 4 = 4, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आ गया बिल्कुल सही आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा = होता है सी बाई ए। सी बाई ए कहने का अर्थ है दोस्तों, सी अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3 × 1 होगा। सी कितना है? 6। ए कितना है? 2। देखिए दोस्तों कट कर क्या आया? 3 = 3, मतलब यहाँ से आप क्या सीख लिए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच कैसे संबंध को सत्यापित किया जाता है, वो आप लोग बेहतर ढंग से सीख चुके होंगे। अब चलते हैं थोड़ा दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन के अनुसार। तो नेक्स्ट टाइप देखिए क्या करते हैं। तो पुनः दोस्तों देखते हैं हम टाइप टू क्वेश्चन में है क्या, शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है √5। तो हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना है हमें द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद यही ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद मेरा क्या होगा। तो जानते हैं शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए अर्थात शून्यक का योग कह सकते हैं आपका दिया हुआ है 0। मेरा क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग 0 बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से क्या निकल गया, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0। अब दोस्तों शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल मिला होता है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है इक्वल टू सी बाई ए। क्या होता है दोस्तों? सी बाई ए। तो सी बाई ए होता है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है √5 इक्वल टू, सी कितना है? सी देख लीजिए आप, सी हमारा दिया हुआ है, सी क्या है? √5 बन गया। सी बराबर कह सकते हैं √5, और ए के सामने क्या है? 1। तो ए निकाल चुके हैं, देखिए ए यहाँ भी 1 आया, ये यहाँ भी 1 आया। अब पता होगा द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूल क्या होता है, ax² + bx + c। आप इस पे पुट कर लीजिए, इस बहुपद को मैंने मान लिया ax² + bx + c। ए के जगह क्या लाए हैं? 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए। b क्या है? 0, तो 0 पुट कर लीजिए। c क्या है? √5, तो √5 पुट कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1 × x² क्या होगा? x² 0 × x क्या हो गया? 0। तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, √5 बच गया, तो √5 यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो आज आपके पास दो टाइप आप लोगों ने पढ़ा। आप लोग को अगले वीडियो में मैं और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा, और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मेरा ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम देने वाला वीडियो होगा। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को अपने सुधार और विमर्श दे सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।